सब्सक्राइब करें एक्यूटेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिंदी चैनल में आप सबका वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 के बारे में। विंडोज 10 में माउस वर्क नहीं करता है तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका प्रॉब्लम कैसे फिक्स करते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपने एक्यूटेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में से 4 एरो कीज मिलेंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसमें से आपको डाउन एरो प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर दिस पीसी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में से माउस राइट क्लिक बटन प्रेस कर दीजिए, इस वाला माउस प्रेस बटन क्लिक कर दीजिए। ओके, क्लिक करने के बाद आपको डाउन एरो से मैनेज के ऊपर आना है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में डिवाइस मैनेजर, ये देखिए डिवाइस मैनेजर में आने का है। उसके बाद आपको टैप प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद आपको राइट एरो की प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अपने कीबोर्ड में से माउस राइट क्लिक बटन प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको डाउन एरो की प्रेस कर देना है, अपडेट ड्राइवर के ऊपर रखकर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए HD कंप्लेंट माउस, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपका माउस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये देखिए माउस वर्क कर रहा है, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। और हमारे एक्यूटेक हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।